Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello, good afternoon. Good afternoon to all of you. A warm welcome to Testbook. Very good afternoon to all of you. Today we will discuss about appointments, resignation of last 6 months. आज हम लोग बात करने वाले हैं last 6 month के appointments, resignations पर. तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं. आप सभी को पता है कि exam point of view से appointment एक बहुत ही important topic रहने वाला है current affair का. और basic current affair सबसे ज्यादा आप लोगों के exam में पूछे जाएंगे, ये भी आप लोग सारे के सारे जानते हैं. Very good afternoon राहुल, very good afternoon प्रदीप, दुर्गेश, एकता, very good afternoon. चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को. आंसर आप लोग साथ साथ देते रहिएगा. आंसर देते रहोगे तो साथ साथ आप लोगों का रिवीजन बेस्ट से बेस्ट होता चला जाएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पढ़ भी ली हैं और आने वाले टाइम में आप लोग पढ़ने भी वाले हैं. ठीक है, सेशन को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा. वेरी गुड आफ्टरनून. कल का पीडीएफ प्रेरणा जी, कल का पीडीएफ डाल दिया गया है. आप लोगों को मिला नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. शुभी, सविता, वंशी, वेरी शुभांगी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून कविता, ओके अभिषेक, यशिका, वेरी गुड आफ्टरनून. चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. आंसर साथ साथ आप लोगों को देते रहना है. बैचेस की डिटेल में आप लोगों को बाद में बताने वाला हूं कि हमारे जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आप लोग एनरोल कराकर अपनी प्रॉपर तैयारी, सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोग अपने एग्जाम की ओर बहुत अच्छे तरीके से और आगे बढ़ पाओ. चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है ये, तो आंसर देते रहना है सारों ने. ठीक है, नहीं आज जो था अपॉइंटमेंट्स पर था कल फिरोज खान जी. कल हम लोगों ने रिविजन सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 150 से भी ज्यादा क्वेश्चन पढ़े थे. ठीक है, एक लास्ट सेशन और होगा जो 15th को होगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग दोबारा एक रिवीजन सेशन लेने वाले हैं 150 क्वेश्चंस का. ठीक है, चलेगा. गुड आफ्टरनून अमन, मनु. देखो पहला क्वेश्चन आता है, हु अपॉइंटेड एज अ सीएम ऑफ उत्तराखंड. अरे पता है ना उत्तराखंड के कौन से सीएम बने? अरे ये भी सभी को पता है, उत्तराखंड के नए नए सीएम जो बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है जल्दी से बता दीजिएगा. इसमें से कोई बताने वाला है? बिल्कुल नहीं, इसमें से कोई भी उत्तराखंड के कोई सीएम है ही नहीं. तो आंसर आप लोगों का आ जाना चाहिए था इसके अंदर, सर नन ऑफ दीज. कहां पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं? पहला क्वेश्चन ही आप लोगों में से आंसर सारे दे रहे हैं तीरथ सिंह रावत. तीरथ सिंह रावत क्या तीरथ सिंह रावत बने हैं या पुष्कर सिंह धामी बने हैं? यार कहां पर हो गए. ठीक है, मतलब अगर आप लोगों के लिए, मैं ये देख रहा था कि आंसर देते हैं सीधा सीधा आपको देना चाहिए था, सर इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है उत्तराखंड के. हाँ अगर मार्च की बात कर लेते हैं तो मार्च में तो चलो आप लोगों ने बता दिया होगा पुष्कर सिंह धा, यहाँ पर तीरथ सिंह रावत. लेकिन एट प्रेजेंट में कौन है वो भी आप लोगों को पता है, उनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी. क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी. क्लियर होगी बात? किसके? उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए. वेरी गुड, वेरी गुड. गवर्नर बिल्कुल सही है. वेरी गुड, वेरी गुड. चलेगा, बहुत बढ़िया. तो अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में. कल ही सारी बातें करी थी हम लोगों ने उत्तराखंड के बारे में, जल्दी जल्दी से दोबारा देखते हैं ताकि रिवीजन अच्छे तरीके से फिर हो पाए. देखो वात्सल्य योजना किसके लिए है? जो भी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की डेथ कोविड में हुई है उनको 3,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, ये उत्तराखंड सरकार की है. उत्तराखंड के 11वें सीएम कौन बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी. क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी. ठीक है, उसके बाद ये भी आप लोगों को मैंने कल ही पढ़ाया था उत्तराखंड के बारे में, घरों की पहचान चेलिक नाम. घर के बाहर नंबर प्लेट घर की छोटी बेटी के नाम पर लगेगी, उस प्लान का नाम क्या है? घरों की पहचान चेलिक नाम. ठीक है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो फूड है. ठीक है, अगर मैं कह सकता हूँ चारा, चारे की बात कर लेता हूं तो वो एनिमल्स तक पहुंचाने के लिए, दूर दराज के रहने वाले फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए वो घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड सरकार की है. इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन उत्तराखंड में ओपन हुआ है. और साथ साथ अगर मैं बात कर लेता हूँ हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर उत्तराखंड में है. इंडिया का पहला पोलिनेटर पार्क, जो परागण होते हैं
इंडिया का पहला पोलिनेटर पार्क कहां पर बना है? उत्तराखंड के अंदर बना है। और नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर, ऑर्चिड होते हैं ना जो फ्लावर, ये वाले फ्लावर ऑर्चिड, तो ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर कहां पर बना है? वो भी हमारा उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। और नए नए गवर्नर जो अभी बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह नए गवर्नर अभी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। वेरी गुड, तो ये सारी बातें आप लोगों को याद हो चुकी होंगी। वेरी गुड, फिरोज खान, किरम, गौतम, तरुण, प्रदीप, दुर्गेश, पारस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको उत्तराखंड के बारे में पता चली है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो अगली अपॉइंटमेंट से आता है। आज हम सारी अपॉइंटमेंट पर ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये भी आपको पता है कि अभी हाल ही में नए डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के कौन बनाए गए? आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर जल्दी से बता दो। आरबीआई में आप सभी को पता है एक गवर्नर होते हैं, है ना, एक गवर्नर होते हैं, चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 10 मेंबर आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैठते हैं, 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री से बैठते हैं और 4 मेंबर आरबीआई के लोकल ऑफिस से होते हैं। 4 मेंबर आरबीआई के लोकल ऑफिस से होते हैं। टोटल मेंबर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो टोटल मेंबर आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21। और 21 में से अभी हाल ही में जो डेप्यूटी गवर्नर कौन से बने हैं जल्दी से बता देना। वेरी गुड, टी रविशंकर बीपी कानूनगो जी को रिप्लेस करते हुए, बहुत बढ़िया। फिरोज खान कौन बने हैं? टी रविशंकर कौन बने? टी रविशंकर। और चार कौन है? टोटल चार। अरे तीन के नाम तो एम से शुरू होते हैं, पता है ना आप लोगों को, पढ़ाया मैंने, बाकी तीन के नाम एम से शुरू होते हैं। और ये भी याद रख लेना कि किसको रिप्लेस करके वो बने? बीपी कानूनगो जी को। बीपी कानूनगो जी को रिप्लेस करते हुए टी रविशंकर बने हैं। ठीक है, बाकी तीन कौन है जिनके तीनों के नाम एम से शुरू होते हैं? माइकल पात्रा, एम के जैन, एम राजेश्वर राव। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट दी भी है, आप लोग इसे देख सकते हैं। गवर्नर तो आप सभी को मैंने पढ़ा ही दिए थे, 25th गवर्नर है जिनका नाम है शक्तिकांत दास और माइकल पात्रा, एम के जैन, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। माइकल पात्रा, एम के जैन, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर आज की डेट में आरबीआई के क्या है? डेप्यूटी गवर्नर है। वेरी गुड, वेरी गुड। रितिक, दीप, तरुण, प्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, शुभी सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया। MMMT, वेरी गुड। कब बना था ये तो आप लोगों को याद है, कब नेशनलाइजेशन हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, ये भी आप लोगों को याद है। ठीक है, किसका? आरबीआई का। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? इन जुलाई 2021, जुलाई 2021 में नई कैबिनेट कमेटी, न्यू कैबिनेट कमेटी हैज बीन फॉर्मड। एक नई कैबिनेट कमेटी बनाई गई आफ्टर द कैबिनेट एक्सपेंशन। अभी जो 7 जुलाई को कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था ना, उसके बाद नई कैबिनेट कमेटी बनाई गई सेंट्रल लेवल पर। हु विल चेयर द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स? कौन कौन इसे चेयर करेगा? कौन इसका चेयरमैन होगा? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कौन बताने वाला है? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स का नया चेयरमैन कौन होने वाला है? नहीं नहीं, नमो तो नहीं है, चलो चलो जल्दी जल्दी से बताओ। नमो तो नहीं है, अरे चेयरमैन की बात चल रही है। नहीं 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 नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आंसर कोई बात नहीं, गलत आ रहे हैं। तो ये बने हैं हमारे राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी नई कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर के चेयरमैन कौन बने हैं? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर के जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह जी। क्या नाम है? राजनाथ सिंह। आप सभी को पता है कौन से मिनिस्टर हैं ये। ठीक हो गई बात, जल्दी से बता दो कौन से मिनिस्टर हैं और उनकी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनका क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोगों को जल्दी से यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक हो गई बात, चलेगा। गणेश जी, वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बिल्कुल सही है, डिफेंस मिनिस्टर। और बिल्कुल किरण वर्मा जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया, लखनऊ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लखनऊ, वही जिसे सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है, लखनऊ वही जहां पर सिडबी का हेडक्वार्टर है, लखनऊ वही जहां पर ना नाबार्ड का ट्रेनिंग सेंटर है जिसका नाम बर्ड है, लखनऊ वही जहां पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, अरे लखनऊ वही
जो गोमती नदी के तट पर है। ये सारी बातें आपको लखनऊ के बारे में याद रखनी है। लखनऊ वही जहां पर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का हेडक्वार्टर है, जहां पर नाबार्ड का ट्रेनिंग सेंटर जिसका नाम बर्ड है, बर्ड की फुल फॉर्म है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये वही लखनऊ है जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, ये सारी बातें आपको याद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड किरण। आगे अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ, ठीक है, जल्दी से आंसर दो। और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, जल्दी बताओ, सारे अपॉइंटमेंट से रिलेट करेंगे, ठीक है, तो जल्दी से बताओ, नए एमडी एंड सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप सभी को पता है ना, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे 1911 में बना था और इसे बोला गया था इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक, इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक, इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था, जहां पर सारा का सारा पैसा भी इंडियन का लगा था, काम करने वाले भी इंडियन थे, सब कंट्रोल इंडियन का था, इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कोई इसे आरबीआई तो नहीं सोच रहा है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्वीडिया का पहला स्वदेशी बैंक बना था, जहां पर सब कुछ इंडियन का ही था। तो बात कर रहे हैं इसके एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए, देखें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, कईयों के बिल्कुल सही है, कईयों के गलत है, कोई बात नहीं। तो इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें तो बनाए गए मातम वेंकट राव बनाए गए, ठीक है, मातम वेंकट राव बनाए गए एमडी एंड सीईओ किसके? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक हो गई बात, चलो अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अरे इसका तो कल परसों न्यूज भी चल रहा था ना, आप सभी को पता है राज्यसभा और लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया है? संसद टीवी। क्या बना दिया गया? संसद टीवी। और संसद टीवी के नए सीईओ किसे बनाया गया है? सिंपल क्वेश्चन है, संसद टीवी के नए सीईओ किसे बनाया गया है? बहुत बढ़िया आंसर दे दीजिएगा किरण वर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है, सारे सही आंसर दो, वेरी गुड, ठीक है, सलामत, कोई बात नहीं, आंसर दो, ठीक है, आंसर देना कंपलसरी है। अरे सेशन को जल्दी से एक बार लाइक करो अगर सेशन पसंद आ रहा है आप लोगों को तो, ठीक है, जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। वेरी गुड नीतू, वेरी गुड नीता, बहुत बढ़िया मनु, बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आप लोगों ने बहुतों ने सही दिया है, वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड छोटू राम, प्रदीप, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड अमरथा, वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या है? रवि कपूर। रवि कपूर की बात कर लेते हैं तो वो नए क्या बनाए गए? सीईओ बनाए गए राज्यसभा लोकसभा टीवी के। और इसके बारे में ये न्यूज आई थी, ये न्यूज आई थी अभी हाल ही में, क्या न्यूज थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी लॉन्च करने वाले हैं संसद टीवी, कौन सी तारीख को? 15 सितंबर को, 15 सितंबर को लॉन्च करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या लॉन्च करने वाले हैं? संसद टीवी को। मुझे जल्दी से बता दो 15 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, बस जल्दी जल्दी से बता दो किसकी याद में 15 सितंबर को एक बहुत ही बढ़िया सा दिन मनाया जाता है, कौन बताने वाला है? वेरी गुड बहुत बढ़िया नीनंद जाधव जी, वेरी गुड रेशमा, आप जल्दी से ये वाला क्वेश्चन तो बता दो, 15 सितंबर को कौन सा डे किसकी याद में मनाया जाता है? 15 सितंबर को संसद टीवी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, जो संसद टीवी राज्यसभा और लोकसभा टीवी को इकट्ठा करता हुआ बनाया गया है। बहुत बढ़िया इंजीनियर्स डे, वेरी गुड, 15 सितंबर इंजीनियर डे, किरण का आंसर बिल्कुल सही और पहला आंसर है, वेरी गुड, किसकी याद में मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है, ठीक है, ये भी बताना ना किसकी याद में मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया जी की याद में मनाया जाता है क्या? अरे जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, बिल्कुल सही, एम विश्वेश्वरैया जी की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है? इंजीनियर डे मनाया जाता है 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया जी की याद में, एम विश्वेश्वरैया जी की याद में इंजीनियर डे मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, नए इकट्ठे हो जाएंगे ना निष्कर्ष गुप्ता जी, अब इकट्ठे हो जाएंगे, पहले दो चैनल अलग अलग आके आते थे आपके टीवी में, एक राज्यसभा टीवी और एक लोकसभा टीवी, अब एक ही चैनल होगा, इकट्ठे हो जाएंगे ये, ठीक है, चलिएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ा है, कंपटोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जल्दी बता दो इंडिया के नए कंपटोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बनाए गए?
आपको ये भी पता है ना CAG कौन है, ये कल ही बताया, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, जल्दी से रिवीजन ले लो। कॉम्पटोलर जनरल ऑफ अकाउंट भी बता दो और कैग भी बता दो, इंडिया के कॉम्पटोलर जनरल ऑफ अकाउंट भी बता दो और कैग भी बता दो। ये तो सबके सही है, बिल्कुल दीपक दास दीपक दास दीपक दास, अरे सबका आंसर बिल्कुल सही है। कैग भी बता दो, अरे जो जम्मू कश्मीर के पहले जम्मू कश्मीर के क्या हुआ करते थे, ये जम्मू कश्मीर के हुआ करते थे LG, अब उनकी जगह मनोज सिन्हा बन गए और अब मनोज सिन्हा जी ने जिसको रिप्लेस किया था वो इंडिया के कॉम्पटोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए, तो बता दो कौन है। वेरी गुड, गिरीश चंद्र मुर्म, क्या नाम है, गिरीश चंद्र मुर्म, गिरीश चंद्र मुर्म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गिरीश चंद्र मुर्म पता चल गया। बाकी अपॉइंटमेंट्स जल्दी जल्दी से मैं यहां पर आप लोगों को कुछ अपॉइंटमेंट्स मैंने वन लाइनर की फॉर्म में लिखी है वो भी देख लो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। RBI ने अपॉइंट किया है उदय कोटक साहब को, क्या चीज, MD मैनेजिंग डायरेक्टर, कौन से बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का, कितने आने वाले सालों के लिए, 3 सालों के, ठीक है। एक तो ये पता चल गया उदय कोटक साहब MD बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के आने वाले 3 सालों के लिए, उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। आगे उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी साहब, एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी जी को भी रीअपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO और 3 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, कौन से बैंक के, एक्सिस बैंक का पता चल गया, कोटक महिंद्रा बैंक का पता चल गया। आगे बात कर लेते हैं सेबी के बारे में, आपको पता ही है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के चेयरमैन तो आप सभी जानते ही हैं, सेबी तो शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, इसके चेयरमैन तो आपको जानते ही हैं अजय त्यागी साहब हैं, क्या नाम है, अजय त्यागी, और इन्होंने अभी हाल ही में अप्रूव किया है एक अपॉइंटमेंट अरुण रास्ते जी को, अरुण रास्ते जी को MD एंड CEO बनाया गया है कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड का। जैसे शेयर मार्केट में क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट में क्या होते हैं, शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, वैसे ही कमोडिटी को अगर किसी ने गोल्ड में पैसा लगाना है, सिर्फ और सिर्फ मतलब कह सकते हैं इन्वेस्ट करना है, फिजिकल तरीके से नहीं खरीदना है, उसके लिए ना कमोडिटी मार्केट होती है, कमोडिटी मार्केट होती है, सोने में पैसा लगाने के लिए, दालों में पैसा लगाने के लिए, फसलों में पैसा लगाने के लिए, डायमंड में पैसा लगाने के लिए, कॉपर में पैसा लगाने के लिए, आयरन में पैसा लगा सकते हैं, उसके लिए ऑनलाइन मार्केट होती है कमोडिटी मार्केट। जैसे शेयर मार्केट में सट्टा लगता है, वैसे इसमें भी सट्टा लगता है, इसमें अगर आप लोग क्रॉप्स में पैसा लगाते हैं तो आपके घर नहीं आ जाती है क्रॉप्स, सोने में पैसा लगाते हैं तो सोना आपके घर नहीं आ जाता है, आपके कमोडिटी अकाउंट में आता है। तो अभी हाल ही में वही वाला एक स्टॉक एक्सचेंज है जो कमोडिटी में डील करता है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, उसके अभी MD एंड CEO बनाए गए अरुण रास्ते जी को, किसको बनाया गया, अरुण रास्ते जी को। बहुत कुछ आता है सिर्फ मैटर, अरे भवई बात कर रहा हूँ ना दीप तरुण जी, बहुत कुछ आता है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने, खाली मेटल का एग्जाम्पल नहीं, मैंने क्रॉप्स का भी एग्जाम्पल दिया है, बहुत कुछ आता है, ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर आपको पता चल गया। अगली अपॉइंटमेंट्स बात कर लेते हैं, अगली अपॉइंटमेंट है इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। देखो यहां पर जगजीत पवाड़िया, जगजीत पवाड़िया जो एक रिटायर्ड IRS ऑफिसर हैं, जो इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के रूप में, कहां पर, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, कहां पर है, वियना, अरे वियना, वियना कहां है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में वियना है, वियना के अंदर हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड का, जिसके अभी प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है जगजीत पवाड़िया, क्या नाम है, जगजीत पवाड़िया, ठीक हो गई बात, चलिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं RBI के नए नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दो बने हैं, एक अजय कुमार भी बने हैं, एक जोश जे कैठोर बने थे पहले, जोश जे कैठोर मई में बने थे, सितंबर में अजय कुमार बने हैं, ठीक हो गई बात, वो भी अभी मैंने लिखा है आगे। जोश जे कैठोर और अजय कुमार दोनों RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं, ठीक हो गई बात। उसके बाद IB के डायरेक्टर अरविंद कुमार जिनकी ड्यूरेशन को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके डायरेक्टर अरविंद कुमार जी की ड्यूरेशन को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है।
ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं, सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं सीबीआई डायरेक्टर। क्या बने हैं? सीबीआई डायरेक्टर 2 सालों के लिए। किसके? सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं। सीबीआई के डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज सीबीआई डायरेक्टर फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के लिए सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। आरबीआई, आरबीआई का जो इनोवेशन हब है ना, जहां पर इनोवेशन होती है, रिसर्च होती है, वो आरबीआई का अलग से एक सेंटर है जिसका नाम है आरबीआई इनोवेशन हब। उसके नए सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? राजेश बंसल जी को। किसे? राजेश बंसल जी को अपॉइंट किया गया है। अब आपकी बारी आती है जल्दी से आंसर देने की, ठीक हो गई बात? ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, एक एक अपॉइंटमेंट आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मोस्टली अपॉइंटमेंट मैंने इसके अंदर कवर किए हैं, अच्छे तरीके से देखनी है, अच्छे तरीके से हर एक चीज को याद करना है, ठीक है। अगला आता है न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन बनाए गए, जल्दी से बता दीजिएगा। इंडिया के नए इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं, ठीक है। चलो जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों का प्रेजेंस देख पाऊं। वेरी गुड, वेरी गुड, सेशन को जल्दी से लाइक करिएगा, चलिएगा। तो यहां पर बाकी उसके बाद ना मैं सारे के सारे सेक्रेटरी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। देखो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी तो आप लोगों ने बता दिया कौन बने हैं, अजय सेठ। क्या नाम है? अजय सेठ बने हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी तरुण बजाज क्या बने? तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी। तरुण बजाज क्या बने? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, ठीक हो गई बात, ठीक है। तरुण बजाज टू बी द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, पता चल गया यहाँ से शिफ्टेड होकर, पता चल गया आप लोगों को तरुण बजाज जी के बारे में भी, ठीक है। आगे आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो आता है वो आते हैं सेक्रेटरी हमारे कॉमर्स, कॉमर्स के, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया कॉमर्स सेक्रेटरी, किसे? कॉमर्स सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया है? वो अपॉइंट किया है वी आर सुब्रमण्यम जी को। वी आर सुब्रमण्यम जी को, क्लियर हो गई बात? वी आर सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया है। क्या अपॉइंट किया है? वी आर सुब्रमण्यम जी को इंडिया का नया कॉमर्स सेक्रेटरी। क्या बनाया गया? कॉमर्स सेक्रेटरी, ठीक हो गई बात, कॉमर्स सेक्रेटरी। उसके बाद आगे मैं बात कर लेता हूं, अरे ये अगर मैं बात करूं कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी जिनका नाम क्या है? राजीव गौबा। राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी की ड्यूरेशन को भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, आपको इतना याद रखना है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है इंडिया के? राजीव गौबा, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। साथ साथ फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमानाथन। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमानाथन। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमानाथन। और अभी अभी अगर मैं बात कर लेता हूं, एक तो डिफेंस सेक्रेटरी याद कर लीजिएगा, अजय कुमार। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार। और अभी अभी जो नया मिनिस्ट्री बनी थी ना, अरे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इस बार अभी अभी तो जुलाई में बनी है ना, अरे नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने नई मिनिस्ट्री बनाई, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर किसको बनाया? अमित शाह जी को। अरे कोऑपरेशन मिनिस्टर तो अमित शाह जी को बनाया, लेकिन उसके सेक्रेटरी देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया अभय कुमार जी को, अभय कुमार सिंह जी को जॉइंट सेक्रेटरी। किसका? नई नई बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं उसके जॉइंट सेक्रेटरी कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, उसके जॉइंट सेक्रेटरी कौन है? अभय कुमार सिंह। क्या नाम है? अभय कुमार सिंह। क्लियर हो गई बात? अरे समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट किसी का? यहां तक कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिएगा, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स आप लोग देख रहे हैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को सारी चीजों को याद भी रखना है, ठीक है। भाविन, प्रदीप, रेशमा, शुभांगी, आलोक, तरुण, फिरोज, नीतू, श्वेता, अमनदीप, कविता, सलामत, नीनंद, ठीक है, चलेगा अमनदीप, सारी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। अगला आता है हमारा, आरबीआई ने अभी हाल ही में अप्रूव किया अतानु कुमार चक्रवर्ती को एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। अतानु कुमार चक्रवर्ती कौन से बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने थे? पार्ट टाइम चेयरमैन बने थे, चलो जल्दी जल्दी से बता दो, पार्ट टाइम चेयरमैन बने थे कौन से बैंक के? कौन? अतानु कुमार। हाँ भाई, कौन आंसर देने वाला है? जल्दी जल्दी से आंसर देते रहिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर स्कीम के लिए इस एक सेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आलोक, आलोक जी स्कीम के लिए बिल्कुल सेशन लिया हुआ है,
ठीक है, आने वाली क्लासेस में आप लोगों को स्कीम के लिए भी सेशन मिलेगा, ठीक है, चलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया, एचडीएफसी के अतानु कुमार चक्रवर्ती पार्ट टाइम चेयरमैन। चलो एचडीएफसी के बारे में रीसेंट न्यूज, एचडीएफसी न्यूज में क्यों था, क्योंकि ना इन्होंने ना इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर वुमेन्स के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था, स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम था? स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम किसने शुरू किया था? एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने अभी हाल ही में, एचडीएफसी बैंक रिसेंटली अनाउंस द विनर ऑफ स्मार्ट अप ग्रांट टू 21 सोशल सेक्टर स्टार्टअप। अभी यहां पर 21 सोशल सेक्टर स्टार्टअप को अभी हाल ही में यहां पर एचडीएफसी बैंक ने स्टार्टअप ग्रांट के लिए विनर को चुना है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, अरे छोटे उद्योगों को लोन देने में ना बेस्ट बैंक बना है, एशिया मनी ने बनाया है, एशिया मनी ने एचडीएफसी बैंक को बेस्ट बैंक बनाया है एसएमई को लोन देने के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देने के लिए। जो अभी हाल ही में बेस्ट बैंक बना है वो कौन सा बना है? एचडीएफसी बैंक बना है। एचडीएफसी बैंक ने ईवा नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर? सीएससी के साथ मिलकर, कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं ना, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर ईवा नाम का नया चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। ये सारे न्यूज थे एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जल्दी से आंसर दो। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया है इलेक्शन कमिश्नर? जल्दी से बता दो, इंडिया के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? इतने में मैं डिटेल बताता हूं, आप सभी को पता है, और ये भी बताना है कौन से नंबर के हैं, जल्दी से बता देना आपको, मैं इतने में डिटेल बताता हूं। आपको पता है ना इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक मिनट, इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, कौन होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर। तो जल्दी से आंसर दे दो, वेरी गुड। तो आपको पता है एक इलेक्शन कमिश्नर तो दो होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, ये सारी बातें पता है ना। चलो तो अब बताता हूं इनके बारे में। हमारे देश में पहले पता क्या होते थे, पहले इनमें यहां पर ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की पोस्ट पर पहले कौन हुआ करते थे, ध्यान से समझना, पहले जो हुआ करते थे वो यहां कौन थे और यहां कौन थे, यहां कोई बताने वाला है? बिल्कुल सही। वैसे तो अगर अभी की बात करिए, इन्होंने जो आप लोग आंसर दे रहे हैं, जो सुशील चंद्रा हैं, चलो यही याद रख लो, पुराने वालों का नाम याद रखने का जरूरत नहीं, सुशील चंद्रा कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उनके नीचे इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है? एक तो है अनूप चंद्रा, क्या नाम है? अनूप चंद्रा। और दूसरे कौन बताने वाला है? अरे दूसरे का नाम भी बता दो, दूसरे पर्सन का नाम भी बता दो, क्या? राजीव कुमार साहब हैं, इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर जो अभी हैं। एट प्रेजेंट की मैं बात यहां पर आप लोगों ने करी है, तो मैंने भी एट प्रेजेंट की बात कर ली है। एट प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा हैं और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्रा और राजीव कुमार हैं, ठीक होगी बात। और ये कौन से नंबर के हैं ये भी आपको पता है, कौन से नंबर की मैं बात कर लेता हूं, तो ये जिस नंबर के हैं वो आप लोग जानते हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। कौन है? 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अरे वही 24, पैरालंपिक में इंडिया का स्थान क्या रहा है वर्ल्ड में? पैरालंपिक में इंडिया का स्थान 24th रहा है ना, वही, ठीक है। और याद रखना है 24th प्लेस पर आते हैं, ठीक हो गई बात, चलेगा। और आपको वो भी ना पता है ना, ओलंपिक में इंडिया का स्थान क्या है? 48। कौन सा है? 48। और 48 को कैसे याद रखोगे? इंडिया के जो CJI है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम एन वी रमन्ना, अरे पता है ना, वो जो बात कर लेता हूं, वो कौन है? 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इंडिया का ओलंपिक में स्थान कौन सा रहा है? 48वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 48वां भारत का स्थान, ठीक हो गई बात। और पैरालंपिक में भारत का स्थान 24वां, और 24वें कौन है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक हो गई बात। अरे याद है ना, आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, सारी बातें आप लोगों को ये याद करनी है। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। 23वें सुनील अरोड़ा थे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, रोमन्ना जैसे याद रखना चाहें, सलामत अहमद जी वैसे याद रखिएगा, बस याद रखना इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, चलो आगे बताओ। UIDAI, अरे आधार कार्ड बनाते हैं हमारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार कार्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते, जल्दी से बता दो। आधार कार्ड बनाते हैं ये हमारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नए सीओ किसे बनाए गए? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसके सीओ की मैं बात कर लेता हूं, तो ये बनाए गए जिनका नाम क्या है, सौरभ गर्ग। सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग क्या बने हैं, नए नए बनाए गए सीईओ किसके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। बहुत बढ़िया, आंसर सभी का सही था। आगे बात कर लेते हैं, अरे अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ड्यूरेशन को कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया है, जिनका नाम क्या है, अरुण कुमार। अरुण कुमार डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अरुण कुमार डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनकी ड्यूरेशन को कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया है, कोई बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिक्स मंथ, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 6 मंथ, ठीक है, ईयर के लिए नहीं, 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, कृष्णा कुमारी, ठीक है, 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है, किसकी ड्यूरेशन को, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की, ठीक है। आगे देख लो, आप सभी को पता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का काम क्या है, जो लाइसेंस होता है ना, पायलट का लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, पायलट को लाइसेंस देते हैं, पायलट को लाइसेंस देने का काम किसका है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का। और इसकी सब्सिडरी कौन सी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी की सब्सिडरी कौन सी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आने वाले टाइम में नई बॉडी बन रही है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपॉइंटमेंट पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलो। हिंदी में आंसर लिखा है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आंसर पता होना चाहिए, कोई बात नहीं गणेश जी, ठीक है, आंसर आपको आता था ना, बस जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में हैं, उसमें शेयर कर दिया करो यार, ताकि सबका भला होगा, तभी तो आपकी भलाई होगी, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये क्या है, दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है, दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है, जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसकी डायरेक्टर वर्ल्ड, ये ना पहले हुआ करती थी वर्ल्ड बैंक में एक एडवाइजर है, पूनम गुप्ता, ठीक से पता नहीं, कोई बात नहीं, दीप तरुण जी, ठीक है, क्लियर दिख रहा है कोई, कृष्णा कुमारी जी, एक बार वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिएगा, फिर क्लियर दिख जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, पूनम गुप्ता जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल सही है, पूनम गुप्ता, क्या नाम है, पूनम गुप्ता, जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली क्या बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है, वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है, ठीक है। चलो अब आगे मैं बात कर लेता हूँ इनके बारे में, आपको नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की बात कर रहा था ना मैं, आपको याद है कुछ, मैंने ये चार्ट आपको दिखाया था मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में, अभी तो पढ़ाया थोड़े दिन पहले, आपको कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर में हमारे देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, याद आया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर बैठते हैं, अभी तो पढ़ाया था ना, 6 मेंबर बैठते हैं, इस 6 में से 3 मेंबर आरबीआई की ओर से हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हैं, कुछ याद आया, आरबीआई की ओर से कौन कौन बैठता है ये भी मैंने आपको बताया था, आरबीआई की ओर से एक तो गवर्नर साहब होते हैं, एक 4 में से 1 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, और बाकी ये जो 3 होते हैं ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो होते हैं इकोनॉमिस्ट, कौन होते हैं, इकोनॉमिस्ट, और इनमें से ये जो 3 इकोनॉमिस्ट बैठे हैं वो ये तीनों बैठे हैं, आशिमा गोयल, शशांका भिड़े और जयंत तार वर्मा, आशिमा गोयल, शशांका भिड़े और जयंत तार वर्मा, और उनमें से ये जो शशांका भिड़े है ना, ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जिसकी पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है पूनम गुप्ता, उन्हीं के अंडर ही काम करते हैं ये शशांका भिड़े, देखो वहां पर ना ये सीनियर एडवाइजर है, ठीक है, पूनम गुप्ता जी के अंडर काम करते हैं ये शशांका भिड़े, वहां पर एक बढ़िया पोस्ट पर है सीनियर एडवाइजर,
कौन है सीनियर एडवाइजर? शशांक भिड़े। कहां पर? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दिल्ली, जिसमें पूनम गुप्ता अभी पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है जो वर्ल्ड बैंक से आई है। ठीक हो गई बात? अरे समझ में आ गया। अतुल राज ठाकुर जी, पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है? इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। पिछले भी जितने लेक्चर मैंने एसबीआई अप्रेंटाइज एग्जाम के लिए लिए हैं, सभी पीडीएफ डल चुके हैं। ठीक है, चलेगा। आगे बात कर लेते हैं और अपॉइंटमेंट्स पर। अपॉइंटमेंट्स पर ये तो आप लोगों ने देख लिया अपॉइंटमेंट, अगली अपॉइंटमेंट सुबोध कुमार जायसवाल भी देख लिया आप लोगों ने। आगे बात कर लेते हैं व्हाट्सएप पे। अरे व्हाट्सएप पे के बारे में पता है ना? व्हाट्सएप पे, अमेजोन पे के अंदर ना एक पर्सन काम करते थे, मनीष महात्मे। व्हाट्सएप पे ने बुला लिया इनको, कह रहे हम पैकेज ज्यादा देंगे, आ जाओ। व्हाट्सएप पे ने इंडिया का हेड बना दिया इस पर्सन को, जिनका नाम है मनीष महात्मे, जो इंडिया के हेड बने हैं व्हाट्सएप पे के। व्हाट्सएप के अंदर नया फीचर है ना व्हाट्सएप पे। ठीक हो गई बात। पहले ये अमेजोन पे में काम करते थे, अमेजोन पे से हटकर कहां पर आ गए? व्हाट्सएप पे में आ गए। कौन? मनीष महात्मे, जो इंडिया के हेड बन चुके हैं व्हाट्सएप पे के। ठीक होगी बात। पीडीएफ विद एनोटेशन क्यों नहीं होता है पिंकी कुमारी जी? ठीक है, अच्छा एनोटेशन वाला देना है। ठीक है, ओके पिंकी कुमारी जी, एनोटेशन वाला, हाँ बिल्कुल यहाँ पर नहीं होता है, जो क्लासेस होती है ना क्लासेस के अंदर एनोटेशन वाला होता है। ठीक है, आई विल ट्राई पिंकी कुमारी जी, आई विल ट्राई। ठीक है, 3.2 ज्यादा मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा दीप तरुण जी, 3.2 ITC ज्यादा मिल रहा है, समझ नहीं आया। ठीक है, चलेगा। व्हाट्सएप पे से हटकर अमेजोन पे में आ गए हैं। अच्छा 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 अच्छा, दोबारा आ चुके हैं। ओके ओके ओके, ठीक है कृष्णा कुमारी जी, ठीक है चलेगा। ओके ओके, एक बार ये व्हाट्सएप पे से वहां पर अमेजोन पे से हटकर कहां पर आ गए थे? व्हाट्सएप पे अपॉइंटेड अमेजोन के मनीष महात्मे। ठीक है, चलेगा। ओके, दोबारा आ चुके होंगे। ओके ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा एक बार इसको, यहाँ पर व्हाट्सएप या कि ये दोबारा के दोबारा, तो यहाँ पर अमेजोन ने इनको दोबारा हायर कर लिया। यहाँ पर कृष्णा जी कह रही हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा अभी। चलो आगे बात कर लेते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मु जी की बात कर लेते हैं। कैग जो हमारे इंडिया के गिरीश चंद्र मुर्मु है, वो अपॉइंट हुए हैं किसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। यूनाइटेड नेशन का जो एक्सटर्नल ऑडिटर का पैनल है, उसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए। किसे? गिरीश चंद्र मुर्मु जी को। किसे? गिरीश चंद्र मुर्मु, जो इंडिया के कौन है? इंडिया के कैग है, वो आप लोगों को पता है। इंडिया के क्या है? कैग है। आगे बात कर लेते, चीफ स्टेटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन बनाए गए? चीफ स्टेटिस्टिशियन ऑफ इंडिया जो बने हैं, उनका नाम है जीपी सामंता। क्या बने हैं? इंडिया के नए चीफ स्टेटिस्टिशियन बने हैं। इंडिया के चीफ स्टेटिस्टिशियन कौन बने हैं? जिनका नाम है जीपी सामंता। ठीक हो गई बात, चलेगा। डेली बेस पर क्लासेस होती है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की 1 बजे क्लास होती है। ठीक है, डेली बेस पर सारी क्लासेस को अटेंड करिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है न्यूजीलैंड। इन मई 2021 न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा अर्डन ने अपॉइंट किया किसे अपना नेक्स्ट गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मेकिंग हर द फर्स्ट मैरोए वुमेन टू होल्ड द पोस्ट। पहली मौरी वुमेन जिसको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा अर्डन ने एज अ गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया है। अपनी अगली गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? कौन बताने वाला है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलेगा। तो ये अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है सिंडी कीरो। तो सिंडी कीरो की बात कर लेते हैं, तो ये नई अपॉइंट की गई हैं, जैकिंडा जी ने इनको अपॉइंट किया है गवर्नर जनरल। वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है। अब न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं, देखो वर्ल्ड के जो 50 ग्रेटेस्ट लीडर में से न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा अर्डन और आधार पूनावाला जो फॉर्च्यून की लिस्ट में शामिल होने वाले इंडिया की ओर से, तो कौन थे? आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, जिनका नाम है आधार पूनावाला, और साथ में
जैकिंडा अर्डन, जैकिंडा अर्डन ने टॉप किया था, जैकिंडा अर्डन ने टॉप किया था किसमें, फॉर्च्यून की लिस्ट में। जैकिंडा अर्डन कौन है, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया सस्पेंशन ऑफ हाई लेवल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट विद द म्यांमार। म्यांमार के साथ जितने भी न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्ट थे, हाई लेवल मिलिट्री और पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट को उसको सस्पेंड कर दिया गया है। किसके द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा, किसके साथ, म्यांमार के साथ थे, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं यहां पर अगले न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड, तो ये सारे न्यूज मैंने न्यूजीलैंड के बारे में आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। चाहे वो वर्ल्ड रग्बी की बात कर लेते हैं तो वो कहां पर होने वाला है, चाहे वो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में न्यूजीलैंड कौन से नंबर पर रहा है, पहले नंबर पर रहा है, चाहे वो हमारा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन केन विलियमसन को अभी हाल ही में सर रिचर्ड हैंडले मेडल मिला है, सर रिचर्ड हैंडले मेडल मिला है। तो ये सारी बातें न्यूजीलैंड के बारे में है। और न्यूजीलैंड की एक पहली ट्रांसजेंडर वेट लिफ्टर जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, न्यूजीलैंड की पहली ट्रांसजेंडर, तो मैं बात कर रहा हूं, तो पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, जिनका नाम क्या था, देखो जिनका नाम की अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर लिखा है अ न्यूजीलैंड वेट लिफ्टर टू बिकम द फर्स्ट ओपनली ट्रांसजेंडर एथलीट पिक टू कॉम्पीट एट ओलंपिक। तो जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे इनका नाम बताने वाले हैं जो न्यूजीलैंड की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। इनका नाम मैंने पढ़ाया है आपको, जब करंट अफेयर पढ़ाए हैं पिछले, तो इनका नाम बताया था जब सारे ट्रांसजेंडर के इकट्ठे न्यूज डाले थे, उसके अंदर मैंने आप लोगों को इनका नाम पढ़ाया था, पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है, जल्दी से नाम बता दीजिएगा न्यूजीलैंड की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है। सेशन को जल्दी से एक बार लाइक करिएगा, ठीक है, वेरी गुड। इतने में नाम बताइए, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है, वेरी गुड। लॉरियल, वेरी गुड। लॉरियल, अरे पूरा नाम कोई बताने वाला है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। न्यूजीलैंड की, चलो इतने में हम लोग, मैं वैसे आप लोगों के सामने जितने भी अभी ट्रांसजेंडर से रिलेटेड न्यूज रहे थे ना, आपको याद होगा सेंसस में जब पढ़ाया था, इस बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अलग से गिना जाएगा, पता है ना, ट्रांसजेंडर के साथ ओबीसी, ट्रांसजेंडर के लिए पहला हैदराबाद में अलग से पुलिस स्टेशन में डेस्क बना था, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, और पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जिन्होंने फुटबॉल मैच खेला था अर्जेंटीना में, सारी ट्रांसजेंडर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बता रही थी। लॉरेल हबर्ट, बिल्कुल सही आंसर आया है, लॉरेल हबर्ट, बहुत बढ़िया, वो ट्रांसजेंडर थी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आता है हमारा, इन मे 2021 हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज अ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट फॉर सेकंड टर्म। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जल्दी से बता दो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। आंसर तो आप लोगों ने सही बताया है, बिल्कुल सही बताया, तो जल्दी से बता दो। अरे यहां पर हिमांता बिस्व शर्मा बता रहे हैं क्या, अरे मेंबर बने हैं वो, हाँ भाई कौन बताने वाला है, हम यहाँ पर हिमांता बिस्व शर्मा की बात नहीं करने वाले हैं, जल्दी से बता दो। यहाँ पर कुछ लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन बने हैं उनकी बात चल रही है, प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ठीक है, चलिएगा। तो प्रेसिडेंट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो वो नरेंद्र बत्रा बने हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, नरेंद्र बत्रा जी बने हैं, ठीक है। चलो अब जल्दी से बता दो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का क्या इसका हेडक्वार्टर लुजेने स्विट्जरलैंड में है, क्या? अरे कोई बताने वाला है, जल्दी से बता दो, क्या मैंने सही आंसर दिया है आप लोगों को, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप लोगों को ये तो पता चल ही गया है, UIDAI के नए CEO किसको बनाए गए, सौरभ गर्ग जी को, और उनके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चीफ कौन बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, संजीव कुमार। आंसर बिल्कुल सही आ गया है, लॉजेने स्विट्जरलैंड में है, कहां पर है, लॉजेने स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है, किसका हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। चलो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन बने, संजीव कुमार। विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल टू एक्ट एज अ सीवीसी, क्या बनेंगे, सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अभी हाल ही में प्रभार दे दिया गया है किसे,
विजिलेंस कमिश्नर सुरेश कुमार जी को, सुरेश एंड पटेल जो काम करने वाले हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, चलेगा। इन्होंने स्थान लिया है संजय कोठारी जी का स्थान लिया है सुरेश एंड पटेल जी ने। आगे के वेणुगोपाल जी आपको पता ही है इंडिया के अटॉर्नी जनरल है, जिनकी ड्यूरेशन को एक साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, है किसकी ड्यूरेशन को, के वेणुगोपाल जी की ड्यूरेशन को, ठीक है। एमडी एंड सीओ एसबीआई कार्ड के, एसबीआई कार्ड के नए एमडी एंड सीओ कौन बने हैं, राम मोहन राय अमारा एमडी एंड सीओ बने किसके, पता चल गया, ठीक है, था जब आपने नाम दिया था कंफर्म हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं दीप तरुण जी, कोई बात नहीं। सर्वेश जी क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। राम मोहन राय हमारा बने हैं एसबीआई कार्ड्स के एमडी एंड सीईओ, ठीक है। फेसबुक ने अपॉइंट किया है पहला चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस होता है रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करने वाला, ठीक हो गई बात। क्या फेसबुक सभी तरीके से रूल्स को फॉलो कर रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं इंडिया के लिए? अगर इंडिया के लिए है तो इंडिया का बनाया जाएगा, वर्ल्ड लेवल के लिए है तो वर्ल्ड लेवल पर बनाया जाएगा, सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पर इन्होंने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाया है, किसे बनाया है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर किसे बनाया गया है, वो बनाया गया हेनरी मोनीस को, हेनरी मोनीस को बनाया गया है, ठीक हो गई बात, चलेगा। उसके बाद Amazon के नए सीईओ बन गए, सभी को पता है Amazon के नए सीईओ बना दिए गए, वो उनका नाम क्या है, एंडी जैसे, क्या नाम है, एंडी जैसे, किसके नए सीईओ बने, Amazon के नए सीईओ बनाए गए हैं। उसके बाद ये तो आपको पता है ना, भारत बिल पे ने अपॉइंट किया नुपुर चतुर्वेदी को सीईओ। इसके बारे में ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको NPCI पता है ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे रुपए डेबिट कार्ड हो गए, जैसे UPI हो गया, भीम ऐप हो गया, फास्टैग हो गया, NUUP हो गया, ये सारी की सारी चीजें किसने बना रखी है, NPCI ने। NPCI ने अभी अभी लेटेस्ट में अपने दो पार्ट बनाए हैं, दो अंग बनाए हैं, एक 2020 में बनाया था, एक 2021 में बनाया था। 2020 में जिस पार्ट को बनाया था उसका नाम था NIPL, बहुत इंपॉर्टेंट है NIPL, NPCI के ऊपर पूरा चैप्टर ले रखा है मैंने, आप लोग YouTube पर जाकर देख सकते हैं टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर, ठीक है, चिराग सर टेक्स्ट बुक NPCI डालना आपको मिल जाएगा, पूरा हर एक चीज के बारे में बता रखा है, फास्टैग क्या है, UPI क्या है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस कर रखी है। अभी यहाँ पर उसकी ना दो सब्सिडियरी बनी है, दो अंग बने हैं, एक है NIPL और एक है NBPL, NIPL और NBPL। NIPL के जो बने हैं रितेश शुक्ला, जो सीईओ बनाए गए हैं रितेश शुक्ला, ठीक है। NIPL की फुल फॉर्म है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। और अगर मैं बात कर ले तो NBPL की, NBPL NPCI भारत पेमेंट लिमिटेड, भारत पे लिमिटेड, इसकी जो अभी अभी सीईओ बनाई गई है उनका नाम क्या है, नुपुर चतुर्वेदी, क्या नाम है, नुपुर चतुर्वेदी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक हो गई बात, ठीक है, लिखा है समझ, चलेगा, ठीक है, चलेगा, ओके, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बार साउंड क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी को साफ दिखेगा। चलो आगे बात कर लेते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा को अभी हाल ही में और आगे ड्यूरेशन के लिए बढ़ा दिया गया है, रेखा शर्मा जी की ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, ये तो आप लोगों को अभी अभी पढ़ा है ना, RBI के दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे, एक अजय कुमार, और उनसे पहले कौन बने थे, अजय कुमार से पहले, इसमें आंसर में क्या दिख रहा है, जोश जे कैठोर, अरे दिख रहा है ना, जोश जे कैठोर RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए थे, ठीक होगी बात, वेरी गुड फिरोज खान, नीनंद, बहुत बढ़िया, और अभी अभी कौन बने, अजय कुमार। चलो अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, पंजाब के एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एम्बेसडर किसको बनाया गया, अरे ये भी आपको पता है, अरे वही जिन्होंने अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी मीरा अय्यर जी के साथ मिलकर, जिनका नाम क्या था पता ही है, ऑटोबायोग्राफी का नाम आई एम नॉट मसीहा, जिनको पैटा ने अवार्ड दिया था, पैटा के सारे अवार्ड पढ़ाए थे,
आपको अवार्ड वाली क्लास में याद है, पैटा ने होटेस्ट वेजिटेरियन का अवार्ड दिया था किसको, सोनू सूद जी को। पंजाब गवर्नमेंट ने एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का यहाँ इनको एम्बेसडर बनाया, साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने और क्या किया था, पंजाब गवर्नमेंट ने इनको इलेक्शन आइकन भी बनाया था अपना। ठीक हो गई बात। ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखना है एम नॉट मसीहा, जो इन्होंने किसके साथ मिलकर लिखी थी, मीना अय्यर जी के साथ, मीना अय्यर जी के साथ। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, अभी अभी बताया UIDAI के भी बताया है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन बने हैं, संजीव कुमार। क्या नाम है, संजीव कुमार। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करेंगे। RBI ने अभी हाल ही में रीअपॉइंट किया किसे, RBL बैंक के नए MD एंड CEO, RBL बैंक के नए MD एंड CEO, नए तो नहीं कह सकते, रीअपॉइंट किया है। किसे रीअपॉइंट किया है, RBL पता है ना, पहले इसको क्या बोलते थे, RBL को रत्नागर बैंक लिमिटेड। इसके MD एंड CEO को रीअपॉइंट किया गया, जिनका नाम क्या है, विश्ववीर आहूजा। क्या नाम है, विश्ववीर आहूजा। ठीक हो गई बात। सर्वेश जी एक बार चेक कर लीजिएगा क्वालिटी, डॉट जहां पर आ रही है वो 3 डॉट पर क्लियर कर क्लिक करके आप वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करोगे तो दिखेगा, साफ दिखेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला आता है ESIC पता है, अरे जल्दी से सेशन को एक बार लाइक करो ताकि मुझे आप लोगों का अटेंडेंस शो हो पाए कि हाँ आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। तो अब क्या है ESIC, तो पता ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एम्प्लॉयज को जरूर करवाना पड़ता है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो देने वाले होते हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज का करवाना पड़ता है, क्या PF के अंदर नाम रजिस्टर्ड होता है, ESIC में होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ESIC की बात कर लेते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में कौन बनाए गए, उनका नाम क्या है, मुखमीत एस भाटिया जो नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं किसके, ESIC के। ठीक हो गई बात। चलो आसाम राइफल के कौन बने, आसाम राइफल के नए डायरेक्टर जनरल, आपको पता है ना ये क्या है, आप लोगों को पता ही है, बहुत सारी हमारे देश में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे कौन कौन सी होती है, BSF हो गई, ITBP हो गई है ना, आप लोगों को इनके सबके याद रखना है, BSF हो गई, ITBP हो गई, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सारी की सारी आपको पता ही है क्या होती है, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जैसे CISF हो गई, CRPF हो गई, इनके सारों के डायरेक्टर जनरल आप लोगों को याद रखने हैं। अभी आसाम राइफल की बात चल रही है, तो आसाम राइफल के कौन बने हैं, प्रदीप चंद्रन नायर, बिल्कुल सही। उसके बाद बात कर लेते हैं, पहला फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, कहां पर है, जनेवा में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में पहले इंडियन चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। ठीक है, कोई बात नहीं दीप तरुण जी। ठीक है, तो ये जो अपॉइंट किए गए वो किए गए अजय मल्होत्रा अपॉइंट हुए हैं पहले इंडियन चेयरपर्सन किसके, एडवाइजरी कमेटी में, किसमें, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। आगे ये इंपॉर्टेंट है, सिडबी के, अरे सिडबी का हेडक्वार्टर अभी बताया ना, लखनऊ में है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है, जहां पर बर्ड का हेडक्वार्टर भी है, नाबार्ड का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सिडबी के नए नए क्या बने हैं, चेयरमैन एंड MD, सिडबी के नए नए चेयरमैन एंड MD कौन बनाए गए हैं, हाँ भाई कौन बताएगा, सिडबी के नए नए चेयरमैन और MD कौन बनाए गए। सेशन को जल्दी से लाइक करिएगा ताकि मुझे आप लोगों का प्रेजेंस शो हो पाए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सिडबी के नए MD S. Ramanna, अरे वो चेंज हो गए ना, बहुत बढ़िया, S. Ramanna कौन बने, S. Ramannan। ठीक है, चलेगा। उसके बाद सिडबी के बारे में रिसेंट न्यूज चल रही थी, सिडबी के अंदर सुदाता मंडल जी को सिडबी का नया डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सुदाता मंडल, किसका, सिडबी का। ठीक है, उसके बाद सिडबी ने अभी हाल ही में उभरते सितारे फंड 250 करोड़ के साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फंड फॉर MSME लॉन्च किया है।
सिडबी और एग्जिम बैंक ने मिलकर उभरते सितारे फंड, उभरते सितारे फंड 250 करोड़ की लागत से लॉन्च किया है सिडबी और एग्जिम बैंक ने मिलकर, सिडबी और एग्जिम बैंक ने मिलकर, जिसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, ऐसे छोटे उद्योग जो चीजों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उनको पैसा दिया जाएगा। ठीक हो गई बात। चलो, सिडबी ने लॉन्च किया स्वावलंबन चैलेंज फंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। स्वावलंबन चैलेंज फंड किसको प्रमोट करने के लिए, हमारे देश में कह सकते हैं उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए सिडबी ने स्वावलंबन चैलेंज फंड भी लॉन्च किया है। और सिडबी ने टाई अप किया गेम के साथ एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। गेम क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। इसके साथ अभी हाल ही में सिडबी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक हो गई बात। चलो आगे बात कर लेते हैं, है ना। आगे इतना तो आपको पता चल गया सिडबी के बारे में, ये सारी बातें। अगले पर बात कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन। यहां पर नेशनल है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, यहां पर नेशनल है। आप जल्दी से बता दीजिएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है, कौन बताने वाला है? वेरी गुड, मैं चेक कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आप लोगों को पता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर। एमएसएमई मिनिस्टर और नई कैबिनेट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लेनी है। बिल्कुल नई कैबिनेट में से तो कोई भी मिनिस्टर नहीं छोड़ना है, कोई मिनिस्टर नहीं छोड़ना है। जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नई कैबिनेट का भी, नए गवर्नर का भी। कौन बताएंगे? बिल्कुल सही, नारायण राणे। ठीक है, अभी थोड़े न्यूज में ज्यादा थे, कुछ विवादों के चलते हुए एमएसएमई मिनिस्टर हमारे, इन्होंने कुछ बोल दिया था। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको वो विवाद याद नहीं रखना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है हमारे भारत के नए एमएसएमई मिनिस्टर कौन बने हैं, नारायण राणे। ठीक हो गई बात, ठीक है। और उसके बाद फेसबुक ने लॉन्च किया एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, मैंने कुछ न्यूज डाले थे। फेसबुक ने लॉन्च किया था स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव 200 शहरों में, ताकि छोटे उद्योगों को लोन दिया जा सके। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगला हमारा, कर्नाटका ने लॉन्च किया था वीवर सम्मान योजना एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए। इंटरनेशनल एमएसएमई डे 27 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। ठीक हो गई बात। कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। इसमें थीम भी लिखी है, वो भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एमएसएमई तो पता है ना, और एमएसएमई के लिए योजना भी पता है ना आपको, वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसमें 3 लेवल पर लोन मिलता है। कौन कौन से? शिशु किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर में 50,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक का लोन मिलता है, 50,000 से 5,00,000 तक का लोन मिलता है, और तरुण में 5 से लेकर 10,00,000 तक का लोन मिलता है। याद आ गया? अरे पता है ना, वेरी गुड। शिशु किशोर और तरुण, बहुत बढ़िया। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। थावरचंद गहलोत कौन से राज्य के नए गवर्नर बने हैं? गवर्नर की लिस्ट मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और आपको पढ़ा भी चुका हूं। थावरचंद गहलोत जो पहले हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर हुआ करते थे, अब वो बन चुके हैं क्या, एक गवर्नर बन चुके हैं। कौन से राज्य के? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हाल ही में मणिपुर के भी नए गवर्नर बने हैं, जिनका नाम क्या है, ला गणेशन। किसके गवर्नर बने हैं? मणिपुर के नए गवर्नर बन चुके हैं। और ये सारी लिस्ट है ये गवर्नर्स की, ये लिस्ट मैं आप लोगों को पिछली संडे की क्लास में दे चुका हूँ, जो संडे को क्लास हुआ था ना 2 घंटे का, उसके अंदर भी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ ये सारे नए गवर्नर की लिस्ट। ठीक है, चलेगा। आगे बात कर लेते हैं श्याम श्रीनिवासन कौन से बैंक के एमडी एंड सीईओ बनाए गए अभी। श्याम श्रीनिवासन अभी बताया है। कौन बताने वाला है? वेरी गुड। श्याम श्रीनिवासन कौन से बैंक के एमडी एंड सीईओ बनाए गए? सेशन को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही। ठीक है, चलिएगा। वेरी गुड, तो श्याम श्रीनिवासन जी की बात कर लेते हैं। तो फेडरल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए।
फेडरल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। इसराइल के नए प्रेसिडेंट, इसराइल के नए प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं तो वो कौन बने हैं, वो बने हैं इसहाक हर्जोग। और इसराइल की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को प्रेसिडेंट पता चल गए ना, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी आप लोगों को यहाँ पर मैंने लिस्ट दे रखी है, वो देख सकते हैं, ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नई नई अपॉइंटमेंट्स, और उसके बाद इस पीडीएफ के पीछे मैं आप लोगों को और भी कुछ अपॉइंटमेंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी मैं आप लोगों को डालकर दूंगा। क्लास आप लोग शार्प 1 बजे ज्वाइन कर लिया करो, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 बजे आ जाया करो, और 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लिया करो। यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो ये सारी बातें आप लोगों को जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, नीचे कमेंट में भी डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डेली बेस पर वहां पर मैं करंट अफेयर डालता हूँ, और डेली बेस पर आप लोग सारी की सारी न्यूज वहां से ले सकते हैं। और बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आप लोगों को भी दिया, एक बैंक का बैच स्टार्ट हो रहा है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ग्रुप में भी शेयर की है कि वो आप लोगों का एक फ्रेशर बैच होगा, मतलब जिसमें आप लोगों को शुरू से स्टार्टिंग से ट्रेन किया जाएगा। 375 प्लस लाइव क्लासेस, 1 साल वो बैच चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको बेसिक से तैयार किया जाएगा। अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, और आपको एक मिनिमल कॉस्ट में ये बैच प्रोवाइड किया जाएगा, और जितनी कॉस्ट है अगर उसमें भी डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो 20% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है मेरे कूपन कोड को यूज करते हुए। मेरा कूपन कोड है CHIRAG M, ये कूपन कोड है मेरा, इससे आप लोग 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और साथ साथ अगर कोई तैयारी कर रहा है, जिनको अपना तैयारी मतलब फ्रेशर नहीं है, जो थोड़ी सी आता है जिसको कुछ कुछ, आप लोग वो इंग्लिश और हिंदी का IBPS PO और SBI PO के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है, दोनों बैचेस हैं, आप लोग उसे भी पिक कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती रेट्स पर आप लोगों को ये बैच प्रोवाइड होंगे। यहाँ पर आपको डीप नॉलेज दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक का, अलग अलग नोट्स भी सारे यहीं से ही अवेलेबल होंगे, हैंड पिक नोट्स होंगे, सभी क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरा डिटेल से आप लोगों को बैचेस में पढ़ाया जाएगा। कोई भी अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है, या टेस्ट बुक से किसी भी टाइप से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो किसी IBPS का हो, SBI का हो, रेलवेज का हो, SSC का हो, UPSC का हो, सभी बैचेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें इंस्टेंट डिस्काउंट लेने के लिए मेरे कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड है CHIRAG M, ये नीचे लिखा भी है, इस कूपन कोड को यूज करते हुए इंस्टेंट 20% डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन, यस प्रतीक, रिकॉर्डेड सेशंस आर अवेलेबल है ना ऑन यूट्यूब। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अमन रावत जी, मिनिमम 6 मंथ के कर लीजिएगा, 4 मंथ के अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, बाकी 2 मंथ आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है अमन रावत जी। पीडीएफ मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को कैसे मिलने वाला है, चलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।